को मजबूत करिए, इस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिए ताकि ये सरकार सपना ना देख पावे अपने भारत के फिर से प्रधानमंत्री बने बदे। जानते हैं कितना दुख है, करती हूँ कि आप लोग प्लीज इंडिया गठबंधन में जुड़ जाइए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करिए, इस सरकार को जड़ से उखाड़ करके फेंक दिए ताकि ये सरकार सपना ना देख पावे अपने भारत के फिर से प्रधानमंत्री बने बदे। जानते हैं कितना दुख है, जब नेता है या तो सिर्फ गरीबों का मुद्दा उठाऊंगा कि हम गरीबों की बात को सुनेंगे। आज नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे नौजवान भाई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, नौकरी का कुछ पता नहीं, पेपर लीक हो जा रहा है, आखिर क्यों? जरा सोचिए आप लोग, नौकरी तो देना नहीं है, सिर्फ हल्ला करना है, जनता को गुमराह करना है कि आपको 25 लाख मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ झूठा सपना दिखाया जाता है। यही काम है, जैसे आते हैं गांव में मदारी वाले, मदारी लगा देते हैं और आप लोग खुश हो जाते हैं देख करके उस मदारी के बंदर को, उस मदारी के कबूतर को, उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चलता। उसी तरीके से सरकार है, जो चालीस सरकार हम गरीबों का बाबू हक छीन कर खा रही है। आरक्षण खत्म हो गया, कोई के पता ना चला, क्यों? सिर्फ एक अहिर के अलावा कोई कोयरी कुहार है। ये थे बाटा ना मौर्य, कौन मौर्य हुआ? केशव प्रसाद। आरक्षण खत्म हो गए, मोच टाइट कर लो कि हम प्रधानमंत्री बन गए। ऐसा नेता लोगों के ना, अब वह बात बाकी, मैं मंच पर हूँ, एक गायिका हूँ, लेकिन अंदर से बहुत कुछ निकलता है, अपने आप को बर्दाश्त करना पड़ता है। सोचिए जरा, आप क्या मौर्या लोगों के बारे में सोच रहे हैं? साहब का कुछ दिन मेरे घंटा ना दिखा पाए हैं। आप तो अपने कुर्सी के चक्कर में पड़े हैं ना, ये थोड़ी ना कि मौर्या लोगों का आरक्षण नहीं कटा। आप लोग के क्षेत्र में पियरका चच्चा घूमते समय देखा लगे हूँ बाटक मिले थे। जरा सोचिए, अपने बेटा के खाली कुर्सी देवावे के चक्कर में वही जोगी मोदी के क्या खराब भाषण दे रहा है। अरे जोगी, तू क्या समझता है, जब ले तुमको मैं सन्यासी उस गोरखपुर के मठ में नहीं भेज दूंगा, हाँ वहाँ भेजूंगा जहाँ भीख मांगी जाती है। अच्छा ये बतावा, ये बतिया जोगी बाबा ना सुनने का, हाँ फिर थूक के चक्कर में। यही बात है, जनता को गुमराह करिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ बाबू कि आप लोग इधर उधर के बहकावा में मत आइए। सिर्फ 25 तारीख को आप लोग सुबह सुबह उठिए और जितना वोट अपना बहक रहा उनको साथ में ले लीजिए, अपने साथ में, अपनी गारंटी पर, और ले जा करके उनको साइकिल के सामने बाबू बटन दबा करके आप लोग भारी से भारी मतों से विजयी बनाइए। अखिलेश भैया के कंधा को आप लोग मजबूत करिए। इसी भाव पर सम्मान की हमारे बड़े भैया जो समाजवादी पार्टी के बहुत अच्छे सिपाही हैं, अपे और श्याल नमो का बा मुलायम भैया के तरफ से, मुलायम भैया बीडीसी, मुलायम भैया बीडीसी आपके तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। अखिलेश दीवाना रंभा बड़े भैया जी की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम।